से लगाता है, कोई अपने रामायण में रावण को पूछता है तो कोई जलाता है, तो अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने प्रैक्टिस है। तो इसलिए हमारे भारत का संविधान मुकम्मल है, इसलिए हमने कॉमन सिविल कोड का विरोध किया और ये कहा कि अगर कॉमन सिविल कोड आप डाले तो जरा हमको उसके पॉइंट बताए क्या पॉइंट है। सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार से पूछेंगे कि महिलाओं के लिए अगर आपकी हमदर्दी है तो आप महिलाओं के एजुकेशन पे, उनकी शिक्षा पर, उनके जो योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से हर समुदाय तक जाने चाहिए। ये सारी चीजों के लिए हमने बात किया। जब हमने देखा कि ये किसी भी तरीके से कॉमन सिविल कोड को लेकर मेरे बारे में गलतफहमियां हो रही हैं और हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में हम ऐसे पिटिशनर अपनी अपील की। हमारे साथ में जो हमारी बहन है ये डॉक्टर चंद्रा राजन, ये सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। इन्हीं ने ये दिल्ली में ही नहीं, देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये बहुत अच्छी समाज सेवी है और बड़ी अच्छी फाइटर है और काफी ये बड़ी बड़ी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में ये मेंबर भी है और पर है। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई को इन्हीं ने पूरी कामयाबी से और बड़ी उम्मीद दिला करके मुझे यकीन दिलाया कि शायद सर ये बहुत बड़ी समस्या है उनको की तलाक को लेकर और हम खुद परेशान रहते हैं। जब हमने उनको अपना मसौदा बताया कि हम चाहते क्या है तो हमने बताया कि जिस तरह हमारे देश में हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान है, जिस तरह हिंदू विवाह अधिनियम का प्रावधान है इसी तरह से हम उच्च न्यायालय से सिफारिश करें और हमारी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर चंद्रा राजन जी ये सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश करें, सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश करें कि पार्लियामेंट में मुस्लिम लॉ के अनुसार, शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह अधिनियम को पारित किया जाए। मुस्लिम विवाह अधिनियम हमारा शरीयत, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है और शरीयत के अलावा हम कोई फैसला नहीं कबूल करेंगे। हमें शरीयत के अलावा किसी भी तरीके का कोई भी दखमदा खलक भी पसंद नहीं है क्योंकि हमारा शरीयत मुकम्मल है और हमारे जो न्याय मिलेंगे वो भारत के संविधान हमारे लिए पूरा मुकम्मल है। हम भारत के संविधान के अनुसार हम अपने अपने धर्म को, अपने तरीके को उसको अपनाएंगे और अपने न्याय और अधिकार लेंगे।